भारत ने लद्दाख पर कर दिया स्टैंड क्लियर, तो बौखला उठा चीन का सरकारी भोंपू। भारत को सरेआम दे डाली युद्ध की धमकी। भारत भी कर चुका है युद्ध के लिए यलगार। दोस्तों, लद्दाख के आसमान से लेकर अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाइयों तक अब हालात बहुत विकराल हो चुके हैं। 13वें दौर की मीटिंग के बाद भारत और चीन के संबंधों में एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। क्यों? अब भारत ने जो बयान दिया है वो साफ कह रहा है कि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये भारत की तरफ से चीन को लेकर अब तक का सबसे सख्त बयान है, जिसमें भारतीय सेना ने कहा है कि चीन भारतीय इलाकों को खाली करने पर राजी नहीं है। दोस्तों, दूसरी ओर चीन ने भी ऐसा ही एक बयान दिया है और कहा है कि भारत अपनी अनुचित मांगों पर अड़ा हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया ने तो भारत को युद्ध की धमकी ही दे दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर युद्ध होता है तो भारत की हार होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि चीन धमकी दे रहा है तो फिर भारत भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। दोनों देशों के बीच अब घमासान के आसार बेहद तेज हो चले हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग में चीन ने भारत को ऐसा क्या कहा कि युद्ध की संभावनाएं तेज हो गई हैं। चीन की कौन सी बातों से भारतीय सेना के अधिकारी गुस्से में मीटिंग से बाहर निकले, साथ ही ये बताऊंगा कि भारत की कौन कौन सी मांगों को मानने से चीन ने साफ इनकार कर दिया है, चीन के मीडिया ने युद्ध को लेकर भारत को कौन सी बड़ी धमकी दी है और अब भारत जवाबी कार्रवाई के लिए क्या एक्शन लेने वाला है। ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। बॉर्डर पर घमासान का फूंका बिगुल। 13वें दौर की बातचीत के बाद युद्ध की धमकी। चीन ने भारतीय इलाकों से हटने से किया इनकार। भारत ने पीछे न हटने पर किया जंग का ऐलान। दोस्तों, इस वक्त एलएसी से भारी तनाव बढ़ने और जंग की तरफ माहौल होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एलएसी पर चीनी सेना की तरफ से दो बार घुसपैठ हो चुकी है और अब चीन से तनाव के पूरे मामले को खुद मोदी देख रहे हैं। भारत ने चीन को एक बार फिर से समझाने का प्रयास किया है। इसके लिए भारत ने टॉप सैन्य अधिकारियों ने चीनी सेना के कमांडर्स के साथ सीमावर्ती इलाके में मोल्डो में फिक्स की। वैसे ये भारत की ओर से चीन के साथ की गई अंतिम मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि इस मीटिंग में चीन की तरफ से जो रवैया सामने आया है उसने भारतीय सेना और मोदी सरकार का मूड खराब कर दिया है। भारत चीन के साथ किसी भी प्रकार की जंग नहीं चाहता है, लेकिन इस मीटिंग में चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है उसने भारत को जंग का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया है। मीटिंग के बाद चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि नई दिल्ली एक बात स्पष्ट रूप से समझ ले, जिस तरीके से वह सीमा को हासिल करना चाहती है उस तरीके से उसे वह नहीं मिलेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसे हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चीन धमकी देने तक ही नहीं रुका, बल्कि दिपसांग बुल्ज एरिया में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक अड़े हुए हैं। पीएलए भारतीय सैनिकों को पिछले साल से ही अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट PP-10, 11, 11A, 12 और 13 के साथ साथ देमचौक सेक्टर में ट्रैक जंक्शन चार्डिंग निंगलुंग नाला तक जाने नहीं दे रही है। चीनी सैनिकों ने इन इलाकों के रास्ते रोक रखे हैं। चीन की सेना भारत के इलाकों पर डेरा जमाकर बैठी हुई है, जिसमें लद्दाख के कई सीमावर्ती इलाके हॉट स्प्रिंग्स, दिपसांग बुलगे और चार्डिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने से चीनी सेना ने साफ इनकार कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों भारत भी बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल हालात ये है कि एलएसी पर दोनों ही ओर से 1,00,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। भारत ने चीन को क्लियर कह दिया है कि ये जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भयंकर हालात बने हैं वो चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने के एकतरफा कोशिशों के चलते हुआ है। चीन के कदम द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन भी करते हैं। यानी दोस्तों, अब यदि इस गतिरोध का कोई हल नहीं निकला तो फिर इन सर्दियों में भी दोनों देशों के सैनिकों की तैनाती बरकरार रहेगी। और दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जिद उनके ही सैनिकों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि चीन की सेना को ऊंचाई -30 डिग्री वाली भीषण ठंड में टिकने या तैनाती का अभ्यास नहीं है। जिनपिंग के ये चूजे लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से पहले ही लगातार बीमार पड़कर
तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इसी टाइप की बीमारी की चपेट में आने से चीनी सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडोंग मर चुके हैं। आलम तो यह है कि जिनपिंग को यहां पिछले 9 महीने में 3 बार अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि चीनी सेना को पीछे हटने का एक और मौका दिया जाएगा और चीनी सेना वापस नहीं लौटती है तो फिर खुद भारत को चीन से जंग का ऐलान करना होगा। अब इस अंतिम मीटिंग में चीन की मंशा का पता भारत को चल चुका है। 13वें दौर की बातचीत के बाद खतरनाक मोड़, सभी अहम जगहों से पीछे नहीं हटेगा चीन, तो मीटिंग में ही भारत की दो टूक धमकी। दोस्तों, मोदी सरकार में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत समय पहले ही यह साफ कर दिया था कि चीन भारतीय इलाकों से पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए भारत चीन से युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने चीन को एक और मौका देते हुए 13वीं मीटिंग फिक्स की। भारत और चीन के टॉप सैन्य कमांड्स के बीच हुई यह मीटिंग सबसे ज्यादा फ्लॉप साबित हुई। इस मीटिंग में चीन ने साफ कर दिया कि वह किसी भी इलाके से पीछे हटने वाला नहीं है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सबसे अहम टकराव के 3 पॉइंट्स यानी हॉट स्प्रिंग, देपसांग बुलगे और चार्डिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने के लिए इनकार कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। चीन ने मीटिंग में उल्टा भारत को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। चीन ने कहा कि चीनी सेना जितना पीछे जा सकती थी वो जा चुकी है और भारत को उसी में खुश होना चाहिए, यानी भारत की ही जमीन पर बैठकर चीनी सेना भारत को ही चिढ़ा रही है। पहले आप चीनी सेना के कमांडर्स की बात सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत चीन को कैसे जवाब देने की प्लानिंग कर रहा है। इस मीटिंग में भारत की मांगों पर जवाब देते हुए चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल लॉन्ग शाओ हुआ ने कहा कि स्थिति को गलत तरीके से समझने के बजाय भारतीय पक्ष को चीन भारत सीमा क्षेत्रों में मिली कठिन जीत की स्थिति पर खुश होना चाहिए। कहने का मतलब, 12वें दौर की बातचीत में चीनी सेना कुछ इलाकों से अपना बोरिया बिस्तर वापस ले गई थी, उसी को लेकर चीन कह रहा है कि भारत को उसी डिसएंगेजमेंट में खुश होना चाहिए क्योंकि चीनी सेना हॉट स्प्रिंग, देपसांग बुलगे और चार्डिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने वाली नहीं है। चीन की नजर इन तीनों इलाकों से सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग पर जमी हुई है। यहां पर चीन ने लाखों सैनिकों और हथियारों को जमा कर रखा है। वहीं चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि वह सर्दियों की शुरुआत में ही 1.5 लाख से अधिक सैनिकों की और तैनाती करने वाला है। चीन के इस रवैये को देखते हुए ये लग रहा है कि बिना युद्ध किए चीन भारतीय इलाकों से पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, इस मीटिंग की शुरुआत में ही भारत ने यह मांग रखी थी कि लद्दाख तनाव से पहले सीमा पर जो स्थिति थी, चीन को वही स्थिति बहाल कर देनी चाहिए। चीनी सेना जिन भारतीय इलाकों में हथियारों के साथ तैनात है, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और LAC पर पेट्रोलिंग के बहाने चीनी सेना भारत के इलाकों में जिस तरह से घुसपैठ कर रही है, उसे भी तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर भारत नो फायरिंग ऑन LAC ट्रीटी को तोड़ देगा और सैन्य ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय कि अपनी सेना को विवादित इलाके या फिर यूं कहिए भारतीय इलाकों से हटाए, चीन ने भारत को ही धमकी देना शुरू कर दिया है। चीन पर भारी पड़ेंगे भारत के हिमवीर कमांडोज। 22 रेजिमेंट ने भारत को पहले ही दिला दी है बढ़त। दोस्तों, चीन पर भारत के कमांडोज पहले से ही बहुत भारी पड़ रहे हैं। वॉशिंगटन में एक अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के हालिया अध्ययन में कहा है कि भारतीय सेना के हिमवीर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर हैं। चीनी सेना इनके आसपास भी नहीं फटकती है। भारतीय सेना को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन और इसके जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तैनाती के साथ ही युद्धाभ्यास का फायदा मिलेगा। सियाचिन की परिस्थितियां पूर्वी लद्दाख से भी दुष्कर हैं। ऐसे में भारतीय सैनिकों को चीनी सेना पर बढ़त हासिल है। भारत ने पिछले साल गर्मियों में ईस्टर्न लद्दाख में चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की शुरुआत की थी। लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में भी लड़ाई के लिए भारत को 22 रेजिमेंट से बढ़त हासिल है। यह रेजिमेंट भारतीय सैन्य ताकत का वह हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियां ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। 22 रेजिमेंट को शुरुआती दौर CIA की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी। यह रेजिमेंट आज भी बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है।
पहले इस रेजिमेंट में तिब्बती भर्ती होते थे, हालांकि अब गोरखा जवान भी इस रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं। भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। अब भारत चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए करीब 2,00,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, यह पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। भारत अब चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाने में नहीं हिचकेगा। इसके लिए एक घाटी से दूसरे घाटी तक सैनिकों और हल्के होवित्जर तोपों को लाने ले जाने में हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। इस साल अगस्त में भारत ने पूर्वी लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 भीष्म टैंक और T-72 अजय टैंकों की भी तैनाती की है। भारत के इलाकों से पीछे नहीं हटेगी चीनी फौज। चीनी सेना ने उल्टा भारत को ही दे डाली धमकी। दोस्तों, उत्तराखंड का बाराहोती सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर भारत ने चीन को अच्छी तरह से लपेटा। हाल ही में चीन के 100 सैनिकों ने पहले उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुसपैठ मारी और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर भारतीय बंकरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इन दोनों घटनाओं को भारत ने चीन के सामने रखा, जिसके बाद चीन घटना पर रिएक्ट करने के बजाय भारत को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया। चीनी सेना के अधिकारियों ने कहा कि वो ना तो पीछे हटेंगे और ना ही किसी प्रकार की गतिविधियों को कम करेंगे, यानी आने वाले दिनों में चीनी सैनिक कई और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी चीन को ये साफ कर दिया है कि भारत भी अपनी सरहद की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर चाहे भारत को कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। वहीं चीन ने इस मीटिंग में भारत को एक और धमकी दी है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी कहावत पर चल रही है चीनी सेना। भारत की जमीन पर बैठकर चीनी सेना भारत को ही धमकाने लगी है। चीन की सरकारी मीडिया ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि लगता है भारत ने पिछले साल जून की घटना के बाद कुछ नहीं सीखा है, यानी चीन भारत को यह कहना चाह रहा है कि पिछले साल की घटना यानी गलवान या फिर पेंगोंग झील संघर्ष से भारत का नुकसान और चीनी सेना की जीत हुई, लेकिन मूर्ख चीन ये बताना भूल गया कि भारत के हाथों 2 बार पिटने के बाद इस घटना को चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों छुपा रहा है। दुनिया को चीन ने ये क्यों नहीं बताया कि गलवान घाटी में उसके 5 नहीं बल्कि 80 सैनिक मारे गए थे। क्यों जिनपिंग सरकार गलवान घाटी में मारे गए अधिकतर सैनिकों की लाशों को भी लेने तक नहीं आया, और पेंगोंग झील संघर्ष में तो कायर चीनी फौज ने पीठ दिखाई थी, जिसमें शी जिनपिंग ने पीठ दिखाकर भागने पर उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे चीनी कमांडर का कोर्ट मार्शल कर दिया था। लेकिन चीन उल्टा भारत को ही गलवान घाटी घटना से डरा रहा है, लेकिन भारत चीन की ऐसी किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। इस वक्त भारत चीन को बहुत बुरा ठोकने के इरादे से उतर रहा है, और मोदी सरकार की तैयारी भी माकूल है और भारतीय सेना भी मुस्तैद है। LAC पर लगातार भारत इजराइल और रूसी हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है और लगातार सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है, और अब तो भारत सीमा पर SFF की तरफ से कई सीक्रेट फोर्सेस को भी तैनात कर रहा है, जिनका सामना चीनी सेना कभी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, चीन का रवैया देखते हुए अब भारतीय सेना जंग का ऐलान कभी भी कर सकती है। आपको भारतीय सेना का ये फैसला कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हैं कि चीन को जवाब देने के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो वीडियो पर लाइक कीजिए, और इस संबंध में आप अधिक जानकारी रखते हैं तो वीडियो पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें।